हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग्स चेकआउट कर रहे हैं, वेलकम। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 6th अप्रैल टू 15th अप्रैल। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस 6 टू 15 अप्रैल। ओके, 6 टू 15 अप्रैल जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओ गॉड, कार्ड्स बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। यहाँ पे जेमिनी लीब्रा एक्वेरियस काफी इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान हो सकता है जो कि नेक्स्ट 10 डेज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे आपकी लाइफ में। मुझे कंफ्यूजन दिख रही है नेक्स्ट 10 डेज में। किसी चीज को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दो जॉब ऑफर आ गई, दो प्रपोजल्स आ गए, दो बिजनेस प्रपोजल्स आ गए, कुछ क्लैश कर गया सेम टाइम पे तो। या फिर एक ही जॉब मिली है आपको, बट आपको कंफ्यूजन इस चीज का है कि अपनी करंट जॉब छोड़ के इस जॉब में जाएं या नहीं जाएं। या फिर आपको शायद कुछ अपना बिजनेस खोलना है तो आप कंफ्यूज हैं कि जो एक एक पैसा ऑलरेडी आ रहा है सोर्स ऑफ इनकम, जो कि आपकी जॉब है, उसको छोड़ के फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें या फिर साइमल्टेनियसली दोनों चीजें करें। बट किसी चीज को लेकर डेफिनेटली कंफ्यूजन है, चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, इनडिसाइसिवनेस दिख रही है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ब्लॉक्ड इमोशंस दिख रहे हैं मुझे। कोई चीज आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कोई एंगर, कोई इमोशन, कोई प्यार, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर ही वो चीज दबी हुई है, आप बता नहीं पा रहे हैं दूसरे को कि आप क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन, डिलेमा, ऑप्शंस, ये वाली मुझे एनर्जी आ रही है। हो सकता है कई लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हो या आप उनके बारे में गॉसिप कर रहे हो, एनर्जीज एक्सचेंज हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं कि अच्छा वो इंसान कैसा है, वो कहाँ है, उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या फिर कोई आपके बारे में डिस्कस कर रहा है कि अच्छा सैजिटेरियस कहाँ है, कैसा है, बहुत टाइम से देखा नहीं, बहुत टाइम से सुना नहीं। तो आपकी डिस्कशन चल रही है, क्यूरियोसिटी दिख रही है मुझे। कोई क्यूरियस है आपको लेकर या आप क्यूरियस है उनको लेकर। रोल्स रिवर्स हो सकते हैं गाइज, बट टॉकेटिव एनर्जी, क्यूरियोसिटी, जानने वाली जो इच्छा होती है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। गॉसिप की भी वाइब आ रही है। अब देखिए, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। विश पूरी हो रही है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स एंड आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपने कनेक्शंस को लेकर, मैरिज को लेकर, लव को लेकर आपकी विश पूरी होती दिख रही है। आपके हो सकता है आपको जो भी चीज आपने मांगी थी वो आपको मिल रही है नेक्स्ट 10 डेज में। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक कैच है, स्पेसिफिक होइएगा। कोई भी चीज अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसमें चेंजेस मत लाइए। ये नहीं कि पहले कभी व्हाइट गाड़ी मांग ली, फिर ब्लैक गाड़ी मांग ली, कभी एसयूवी मांग लिया, कभी एक्सयूवी मांग लिया, कभी जॉब दिल्ली में मांग ली, कभी जॉब बॉम्बे में मांग ली। अपनी मैनिफेस्टेशंस के टाइम पे स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे आपकी विश पूरी हो रही है। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। यूनिवर्स प्लीज बताइए। फेयर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और व्हाइट हेयर, छोटे बाल, सफेद, ग्रे मिक्स, ब्लॉन्ड, कुछ अलग कलर कलर करवाया हो अलग तरीके का। बट इनके साथ या तो आपकी बिजनेस डीलिंग चल रही है या फिर पर्सनल रिलेशनशिप चल रहा है। ये जो फीमेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनके थ्रू आपकी लाइफ में काफी मेजर चेंजेस आ सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज में। इनके साथ आप रिलेशनशिप में हो सकते हो, इनकी वजह से आप कंफ्यूजन में हो सकते हो। बट डेफिनेटली हो सकता है ये एक ऑप्शन हो, अगर डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर जेंडर प्रेफरेंसेस आर, बट हो सकता है ये एक ऑप्शन हो। बट इनकी वजह से आपकी लाइफ में काफी मेजर कोई एक टर्न ऑफ इवेंट्स आ सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ग्रास हॉपर सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। चीजें काफी कहते हैं ना सेंसिटिव हुई हुई है नेक्स्ट 10 डेज में। आपको थोड़ा सा उनको
तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। कोई सिचुएशन है जो काफी सेंसिटिव है, किसी के बारे में पूछना, किसी के बारे में बात करना, जिसको लेकर आप क्यूरियस हैं, उसको लेकर आई थिंक थोड़ा सा आपको केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत है उस सिचुएशन को लेकर। जिस चीज को लेकर आप कंफ्यूज हैं, जो ऑप्शंस हैं, कहीं से जॉब छोड़ें, कहीं में जॉब ज्वाइन करें, मे बी रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप एग्जिट करें या उसी रिलेशनशिप में रहें, बट थोड़ा सा सेंसिटिव हुआ हुआ है मैटर एंड नेक्स्ट 10 डेज में उस चीज को तरीके से हैंडल करने की जरूरत है आपको। हरी मत करिएगा, रश मत करिएगा, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन मत लीजिएगा, दूसरों के बातों में मत आइएगा, इन्फ्लुएंस मत होइएगा, थोड़ा सा ध्यान से डीलिंग करिएगा, जल्दबाजी में मत डिसीजन, रश डिसीजन मत लीजिएगा। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं? करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, यूनिवर्स, प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, देखिए कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड्स हैं यहाँ पे, अनसक्सेसफुल प्लान्स दिखा रहे हैं एंड यहाँ पे विश पूरी होती दिख रही है, बट आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि जो मैंने आपको पहले बोला था, स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। अगर आप कभी कुछ मांगेंगे, कभी कुछ मांगेंगे, कभी कुछ बोलेंगे और फिर चेंज कर देंगे अपनी चीज, तो आई थिंक यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसको चाहिए क्या। तो आई थिंक यहाँ पे आपके प्लान्स जो है वो अनसक्सेसफुल इसलिए हो रहे हैं, या विशेष जो है वो इसलिए शायद नहीं पूरी हो रही है, या मे बी आपके हिसाब हो रही है पूरी बट आपके हिसाब से नहीं हो रही है क्योंकि आप बार बार चेंज कर रहे हो। तो मे बी लेट्स से एग्जाम्पल देती हूँ, आपने मांगा 30% इंक्रीमेंट, मिला आपको 15%, तो आप खुश नहीं हो, आपको लग रहा है ये मेरी विश पूरी नहीं हुई। विश पूरी हुई है बट आपने शायद मांगा ही ऊपर नीचे, थोड़ा चेंजेस करके मांगा है या अटपटी चीज मांग ली है। तो आई थिंक थोड़ा जो आपके बेहतरी के लिए, जो आगे लॉन्गर रन में आपके लिए अच्छा है, वही चीज आपको मिल रही है। तो थोड़े से अनसक्सेसफुल अनसक्सेसफुल प्लान्स आपको लग सकते हैं बट उसमें थोड़ा कैच हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज बताइए मैसेजेस चार्म्स के थ्रू फॉर सैजिटेरियस। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है आपका, लियो काफी इंपॉर्टेंट है, आपका सन साइन या मून साइन हो सकता है कॉम्बिनेशन में लियो के साथ। डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। हमारे पास है लेटर एक्स, लेटर एस, किसी का एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है, ठीक है वो भी हो सकता है, बट किसी का नाम, सिटी, कंट्री, लोकेशन, यूनिवर्सिटी, ब्लॉक कुछ हो सकता है। देखिएगा शैंपेन दिख रही है मुझे, शैंपेन एंड वाइन दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक और चार्म है हमारे पास शैंपेन का, दो लोग साथ में पी रहे हैं, तो कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, वाइन शैंपेन कंजम्पशन दिख रहा है, चीजें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं एंड आपके ऊपर किसी एक फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है या ऑलरेडी है, बट आई थिंक उसका ध्यान रखना पड़ रहा है आपको, या फिर नेक्स्ट 10 डेज में आप रखेंगे उसका ध्यान। बट दैट्स इट मोर और लेस, मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से सैजिटेरियस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।